सांसद बरेली प्रवीण सिंह अरन साहब, आज कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे? जो देश और प्रदेश का दृश्य है उसको लेके, उसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे पब्लिक को? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में सबसे खास बात है वो ये है, जो मुख्य बात है कि ये जितनी भी मुद्दे अब उछाले जा रहे हैं, ये मुद्दों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन ये इसका मकसद क्या है? असली मकसद है देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने जो भाजपा सरकार की वजह से, जो मोदी सरकार की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्या है, जो मजदूरों की समस्या है, जो बढ़ता अपराध है, बढ़ती महंगाई है, बेहद महंगाई है, बेहद बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के अपने देश के भारतीय उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे बड़े भारतीय रिटेल बाजार ठप हो रहा है और विदेशी खर्च, हर चीज़ में विदेशी कंपनियां, आप एक रिटेलर्स चाहे FDI में रिटेल में ले लें, हर चीज़ ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन, इससे गरीब दुकानदार व्यापारी छोटा उद्योगपति सब बर्बाद हो रहे हैं, और अगर किसी को फ़ायदा हो पहुंचा रही है सरकार तो केवल विदेशी पूंजीपति, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके इशारों पर ये सरकार खेल रही है, और इसी ओर हम सब ध्यान दिलाना चाहते हैं कि केवल वो कांग्रेस, आप सोचिए LIC जो देश के लिए काम आती है, तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, रेलवे जो देश के लिए काम, गरीबों के लिए काम, जब ये पूंजीपतियों की कंपनियां होंगी, रेलवे और रोडवेज और बस अड्डे और सारी चीज़ें, तो ये गरीब आदमी के लिए कहाँ सोचेंगे? ये तो जो ज़्यादा पैसे देगा वो ठाट करेगा। तो इन सब बातों को देश की जनता को समझना चाहिए। आज ये कांग्रेस क्या करने जा रही है, ये जो कार्यालय खुला है आज कांग्रेस का, ये एक ऐतिहासिक बरेली के उसमें एक बहुत ही नए सिरे से इस तरक्की को रास्ते पर ले जाने के लिए, अपना संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के, ये हमारे अशोक सकलानी जी हैं, सो प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे अजय कुमार जी लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में काम करेगा बरेली कार्यालय सारे उत्तर प्रदेश की तरह, और हम सब मिलकर, कांग्रेस जन मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि कांग्रेस सबकी पार्टी, सबके लिए, सबके द्वारा है। किसी एक जाति, प्रादि, मजहब, धर्म की नहीं है। छोटे बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर मझोले तक सबकी पार्टी केवल कांग्रेस। यहाँ कोई धार्मिक आधार पर कोई बात नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। हम हिंदुस्तान के लोग तो कांग्रेस हिंदुस्तान की आवश्यकता है, हिंदुस्तान कांग्रेस की आवश्यकता है। देखिए वर्तमान में जो हालात हैं इस उत्तर प्रदेश के और देश के, जिस देश का गृह मंत्री कह रहा है कि जो बोले से गोली मारो, जिस देश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि बोली तो नहीं तो गोली से मारो, आज इस अराजकता का माहौल जो उत्तर प्रदेश में, जो देश में बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं कि जिस जनता ने आपको इस देश की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको चुना था, आज उसको उज्ज्वल भविष्य को आप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके हाथ में हथियार थमाकर, उनके घरों में उनके लोगों को हथियार थमाकर गुंडा बनाने का काम जो कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं, और ये समाज के अंदर अच्छा संदेश नहीं है। आज बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं, आज लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरी जगह जाकर सस्ते माल की घोषणा कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती नहीं मिल रही है, दिल्ली में आप सस्ती बिजली देने की घोषणा कर रहे हैं, पहले अपने प्रदेश में सस्ती बिजली करिए, तब दिल्ली में प्रदेश की सस्ती बिजली की बात करिए। आज आपने देखा होगा काफ़ी समय से हमारे यहाँ बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था वो नहीं था। मैंने प्रयास किया सभी साथियों के साथ, यहाँ पर आज मैंने जनपद बरेली कांग्रेस कार्यालय का सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित करने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन का कार्यक्रम किया। ये समर्पित करता हूँ कि आज सारे कार्यकर्ता ये अपना कार्यालय निजी समझकर इस कार्यालय को जो भी समस्याएं होंगी क्षेत्र की, तहसील की, ब्लॉक की, स्तर की, वो सुनी जाएंगी, और मैं भी यहाँ पर संगठन मजबूत करने के लिए कार्यालय पर समय समय पर समय देकर। दोस्तों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी बरेली के नए कार्यालय में। यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन कुछ ही पलों के बाद होने वाला है, यानी बरेली की जिला कांग्रेस के पास अब तक अपना कोई कार्यालय नहीं था, अब कार्यकर्ता कम से कम अपने निजी कार्यालय में बैठेंगे। इस कार्यालय का शुभारंभ समारोह में पहुंच चुके हैं बरेली के पूर्व सांसद 2009 प्रवीण सिंह अरन। इस मौके पर हमने बात की है कुछ बरेली के पुराने कांग्रेसियों से और जानते हैं कि क्या बोले हैं वो कांग्रेस के बारे में। साथ ही मैं आपको दिखाने जा रहे हैं उद्घाटन समारोह के कुछ खास खास दृश्य। जुड़े रहिए हमसे,
देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। इस तकलीफ को हम लोगों का साथ करें, क्षमा करें और कांग्रेस आगे व्यवस्था करे कि बड़ी जगह पे कार्यक्रम करें। आप जानते ही हैं कि अफवाज भाई ने, असलम भाई ने और महकमा ने जो कार्यालय की व्यवस्था करी, ये अफवाज भाई ने बहुत दिन बाद एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा किया है। इसके लिए जरा रोजगार तालियां हो गए और बहुत समय से कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बेचैन हैं इस बात के लिए कि जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है, जो कुछ भी हमारे प्रदेश में हो रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है, उन बातों को देख देख कर हमारे कार्यकर्ता बेचैन हैं। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को एक दिशा देने का काम हमारा नेतृत्व करे। चाहे कांग्रेस के बारे में लाइन में, कांग्रेस दोबारा फुल बहुमत में 22 में यूपी में सरकार बना रही है। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी, सदस्य PCC। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहूँगा, आप सब जनता जान रही, क्योंकि जनता रो रही है लेकिन आंसू नहीं निकल रहे। बस मेरा नाम मोहम्मद आरिस है, उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। ऐसे में कांग्रेस ही एकमात्र रह गया है जो कि पब्लिक जिसकी तरफ देख रही है, और आने वाले समय में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। बीजेपी से मोहब्बत हो चुका है, उतने भी लोग हैं कांग्रेस की तरफ जो है निगाहें।